चार रंग की कार खासी तेज रफ्तारी से वेलिंगटन की ऐसी सड़क पर दौड़ रही थी जो शहर से बाहर निकलकर मज़ाफात की तरफ जाती थी। ड्राइविंग सीट पर नोमानी बैठा हुआ था जबकि उसके साथ वाली सीट पर सदीकी मौजूद था। इमरान ने उन्हें रागोना छावनी का जो महले वकूफ समझाया था उसके मुताबिक रागोना छावनी उसी तरफ वाक़ थी। उसी सड़क से एक और सड़क दाएं तरफ निकलती थी जिस पर आगे जाकर रागोना छावनी थी। नोमानी और सदीकी ने जहनी तौर पर एक प्लानिंग बना ली थी और अब उस प्लानिंग के तहत ये कार में बैठे उस छावनी की तरफ बड़े चले जा रहे थे। दोनों ही खामोश बैठे हुए थे क्योंकि जिस मिशन पर वो जा रहे थे वो एक लिहाज से ब्लाइंड मिशन था और उन्होंने जो प्लानिंग की थी वो ज़रूरी न थी कि कामयाब भी होती। उनकी प्लानिंग थी कि वो इस सड़क पर जाकर एक साइड पर छुप जाएंगे और फिर जैसे ही कोई जीप छावनी की तरफ जाती हुई या आती हुई नज़र आई वो उस पर हमला करके उसमें मौजूद अफराद की यूनिफॉर्म्स खुद पहन लेंगे। स्पेशल मेकअप बॉक्स उनके पास मौजूद था। इस तरह वो उन फौजियों के रूप में छावनी में घुसने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा क्योंकि उसके अलावा उनके पास और कोई चाराकार भी ना था। काफी आगे जाकर दाईं तरफ को एक चौड़ी सड़क निकलती हुई दिखाई दी तो नोमानी ने कार का रुख उधर ही मोड़ दिया। सड़क के दोनों अतराफ में घने दरख्तों का सिलसिला दूर तक चला गया था और यहाँ वाकई दूर दूर तक इस कसीर तादाद में दरख्त मौजूद थे कि वो सारा इलाका किसी घने जंगल का एक हिस्सा दिखाई दे रहा था। वो समझ गए कि छावनी को फिजाई तहफ़ देने के लिए बाकायदा प्लानिंग के तौर पर इस सारे इलाके में शजरकारी की गई है, लेकिन ये सूरत हाल फिलहाल उनके फायदे में जा रही थी। नोमानी खामोशी से कार चलाता हुआ आगे बढ़ा जा रहा था और फिर काफ़ी आगे पहुंचकर उसने कार का रुख मोड़ा और उसे दरख्तों के अंदर दौड़ाता हुआ काफ़ी आगे ले जाकर उसने रोक दिया। फिर वो दोनों ही बगैर एक दूसरे से कोई बात कहे दरवाजे खोलकर नीचे उतरे और दौड़ते हुए दोबारा सड़क की तरफ जाने लगे। सड़क के करीब पहुंचकर वो एक दूसरे से अलहदा होकर दरख्तों की ओट में छुपकर खड़े हो गए। इन दोनों के अंदाज इस कदर में कानकी थे जैसे दोनों रोबोट हों और ये सारी हरकत उनके जहनों में बिल्कुल उसी तरह सेट कर दी गई हों। हालांकि असल बात यह थी कि वो दोनों पहले ही अपनी प्लानिंग को मुकम्मल तौर पर डिस्कस कर चुके थे और उसके नए जहनी तौर पर और उसके लिए जहनी तौर पर पूरी तरह तैयार हो चुके थे। अभी उन्हें वहां दरख्तों के पीछे खड़े हुए थोड़ी देर ही गुजरी थी कि सड़क की तरफ से एक फौजी जीप तेजी से छावनी की तरफ जाती हुई दिखाई दी। जीप की छत खुली थी और उसमें सिर्फ दो फौजी सवार थे। दोनों के कांधों पर मौजूद सितार बता रहे थे कि उनमें से एक मेजर और एक कैप्टन है। उन दोनों ने एक नज़र में ताड़ लिया कि दोनों ही तकरीबन उनकी कद्दोकामत के हैं और ये एक ऐसा हुस्न इत्तेफाक था जिसके लिए वो कुदरत का जितना भी शुक्र अदा करते कम था। जीप तेजी से दौड़ती हुई उनके सामने से होकर आगे बढ़ी ही थी कि नोमानी के हाथ में मौजूद लंबी नाल के रिवाल्वर से छोला सा निकला और टक की आवाज के साथ ही जीप का अकबी टायर एक धमाके से प्रेस्ट हो गया। जीप थोड़ी सी लड़खड़ाई और फिर रुक गई और वो दोनों फौजी उछलकर नीचे उतरे और इकट्ठे होकर जीप के अकबी पहिए पर चुक गए। नोमानी ने अकबी टायर साइलेंसर लगे रिवाल्वर की गोली से ब्रस्ट कर दिया था। अब इन दोनों फौजियों की उनकी तरफ पुश थी। वो दोनों दरख्तों की ओर से निकले और फिर दबे पांव दौड़ते हुए एक लम्हे में उनके करीब पहुंच गए। ये गोली चलाई गई है मार्क, एक फौजी की आवाज सुनाई दी। हाँ, मगर दूसरे ने कुछ कहना ही चाहा था कि करीब पहुंच जाने की वजह से शायद उनकी आहट दोनों फौजियों ने सुन ली और वो बिजली की सी तेजी से मुड़े ही थे कि नोमानी और सदीकी दोनों के हाथों में और खटाक खटाक की आवाजों के साथ ही रिवाल्वरों के दस्ते उनके सरों की साइडों पर पड़े और वो दोनों चीखते हुए नीचे गिरे। उसी लम्हे इन दोनों ने उछलकर अपने अपने बूट की टो उनकी कनपटियों पर जड़ दी और उठने की कोशिश करते हुए वो दोनों ही साकेत हो गए। इन्हें उठाकर जीप में डालो, मैं जीप को इसी हालत में दरख्तों में ले जाता हूँ, नोमानी ने चीख कर कहा और उछलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया जबकि सदीकी ने बिजली की सी तेजी से चुक कर एक फौजी को उठाकर जीप के पिछले हिस्से में फेंका।
और फिर जब तक नौमानी ने जीप स्टार्ट की वो दूसरे को भी उठाकर पहले के ऊपर फेंक चुका था और दूसरे लम्हे वो खुद भी उछलकर जीप पर सवार हो गया। नौमानी ने पहला गियर लगाकर पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाकर स्टीयरिंग मोड़ दिया और जीप का इंजन शोर मचाता हुआ मोड़कर दरख्तों की तरफ जीप को घसीटने लगा। क्योंकि उसका टायर ब्रेस्ट हो चुका था इसलिए नौमानी को उसका तवाजन बरकरार रखने में खासी मुश्किल पेश आ रही थी, लेकिन वो बाहर हाल किसी न किसी तरह उसे घसीटता हुआ आगे लिए चला जा रहा था। दरख्तों के अंदर वो उसे ले गया और फिर उसने कार के करीब ले जाकर जीप रोक दी और उसके साथ ही वो दोनों उछल कर नीचे उतरे। जल्दी करो, पहले इनकी यूनिफॉर्म उतार दो, मेरा ख्याल है ये हमारे लिबासों के ऊपर पूरी आ जाएगी, इस तरह हम जिस वक्त चाहेंगे उन्हें आसानी से उतार फेंकेंगे, नौमानी ने कहा और सिद्दीकी ने सर हिला दिया। और फिर थोड़ी देर बाद वो उनकी यूनिफॉर्म पहन चुके थे। फिर नौमानी ने कार में मौजूद मेकअप बॉक्स खोले और वो दोनों ही मास्क मेकअप में मसरूफ हो गए, क्योंकि वो ही एक ऐसा मेकअप था जो जल्दी से जल्दी भी हो सकता था और आसानी से भी किया जा सकता था। ये बॉक्स क्योंकि उसी ग्रैंडफादर की कोठी से ही मिला था इसलिए उसमें मौजूद मास्क और उन पर बने हुए बाल मकामी अफराद के रंगों बालों के मुताबिक ही बनाए गए थे। थोड़ी देर बाद वो मेकअप से भी फारिग हो गया, तुम बिल्कुल उसी दाएं हाथ वाले की तरह लग रहे हो, लेकिन मास्क की जड़ को और बारीक करो, सिद्दीकी ने नौमानी को देखते हुए कहा और नौमानी ने नाक की जड़ को उंगलियों की मदद से पेंचा। बस ठीक है, सिद्दीकी ने उसे बगौर देखते हुए कहा और फिर नौमानी ने उसे हदायत देनी शुरू कर दी। उसके बाद उन्होंने यूनिफॉर्म की जेबों से मिलने वाले सामान को चेक करना शुरू कर दिया। जेबों में कागजात भी मौजूद थे। ओह, तो मेरा नाम मेजर ब्राउन है। अरे बहुत खूब, मैं तो टॉर्चर सेल का ही मेजर हूँ, ये देखो कार्ड, नौमानी ने खुशी से उछलते हुए कहा। मेरा नाम कैप्टन मार्क है। वेरी गुड, मेरा ताल्लुक भी टॉर्चर सेल से है। वाह, इसका मतलब है किस्मत भी साथ दे रही है, सिद्दीकी ने खुश होते हुए कहा और नौमानी ने सर हिला दिया। अब तो यहीं इन दोनों से अफंदी के मुतालिक पूछ-पूछ की जा सकती है, नौमानी ने कहा और फिर वो तेजी से कार की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद वो उसमें मौजूद नायलोन की बारीक रस्सी का गुच्छा निकाल लाया और उसने उस रस्सी की मदद से उन दोनों के हाथ पिछ पर करके बांधे और बाकी रस्सी से उनके पैर भी अलहदा अलहदा बांध दिए। और फिर नौमानी और सिद्दीकी ने रस्सी के बकाया टुकड़े की मदद से उन्हें सीधा दरख्तों के तनों से बांधकर उनके नाक और मुंह बंद कर दिए। ये जल्द अज जल्द होश में आ सके, चंद लम्हों बाद ही उनके जिस्मों में हरकत महसूस हुई और फिर उनकी आंखें खुल गईं। ये टॉर्चर सेल के लोग हैं इसलिए इन पर खसूसी तरीका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पहले इनकी आवाजें और लबो लहजा वगैरह चेक कर लें, वरना हम छावनी में घुसते ही ट्रेस हो जाएंगे, सिद्दीकी ने कहा और इस बार नौमानी ने सर हिला दिया। कौन हो तुम? हमारी ही शक्लें? ओह, तो तुमने हमारा मेकअप किया है? मेजर ब्राउन ने सामने खड़े सिद्दीकी और नौमानी को देखते ही इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। कैप्टन मार्क अभी तक कदरे गनूदगी के आलम में था। सुनो मेजर ब्राउन और कैप्टन मार्क, सिर्फ एक शर्त पर तुम्हें जिंदगी मिल सकती है कि तुम हमें इतना बता दो कि अफंदी को कहां रखा गया है। नौमानी ने जेब से लंबी नाल वाला सलंसर लगा रिवॉल्वर निकालकर हाथ में लेते हुए कहा। अफंदी? कौन अफंदी? मेजर ब्राउन ने होंठ पिंचते हुए कहा। तुम क्या कहते हो कैप्टन मार्क, क्या तुम्हारा जवाब भी इनकार में है? नौमानी ने होंठ चबाते हुए करफ्त लहजे में कैप्टन मार्क से मुखातिब होकर कहा, जो अब पूरी तरह होश में आकर हैरत भरे अंदाज में आंखें फाड़ फाड़ कर सामने खड़े हुए सिद्दीकी को देख रहा था जो उसके ही मेकअप में था। मम क्या बता सकता हूँ, मैं तो अभी इस सेक्शन में आया हूँ, कैप्टन मार्क ने गड़बड़ाए हुए लहजे में जवाब दिया। ओके,
फिर तो तुम छुट्टी करो, तुम्हें जिंदा रखने से हमें कोई फायदा हासिल ना होगा। नुमानी ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा और आगे बढ़कर उसने सलंसर लगे रिवॉल्वर की नाली कैप्टन मार्क की कनपट्टी से लगा दी। उसकी आंखों में इस कदर सर्द मोरी थी कि कैप्टन मार्क यकलख चीख पड़ा, ठहरो ठहरो, मत मारो, मैं बताता हूं। कैप्टन मार्क ने इंतहाई बुखलाए हुए लहजे में चीख कर कहा, कैप्टन मार्क ये गद्दारी है, खामोश हो जाओ। मेजर ब्राउन ने इंतहाई गुसीले अंदाज में चीख कर कैप्टन मार्क से कहा, लेकिन दूसरे लम्हे शक की आवाज नोमानी के रिवॉल्वर से निकली और मेजर ब्राउन की खोपड़ी सैकड़ों टुकड़ों में तकसीम हो गई। वो हलाक हो चुका था। तत तुमने उसे मार दिया? कैप्टन मार्क की हालत मेजर ब्राउन को मरते देखकर इंतहाई नागुफ्तगू हो गई। तुम्हारा भी यही अशर हो सकता है, समझे? अगर तुमने सही सही ना बताया, नुमानी ने घुराते हुए कहा। मम मैं बताता हूँ, अफंदी को टॉर्चर सेल में भेजा गया था, मगर अफंदी ने कहा कि उसने राज अल्पाखंड रात के सतूनों वाले हिस्से में छुपाया हुआ है। इस पर चीफ कर्नल जॉनसन, मेजर ब्राउन, मेजर टामी अफंदी को साथ लेकर वहां पहुंचे। मैं भी और दूसरे मुसलह फौजी भी साथ थे। वहां एक सुरंग के दहाने में अफंदी और उसके साथ मेजर टामी घुस गए। सुरंग तंग थी इसलिए ये दोनों ही गए। कर्नल जॉनसन, मेजर ब्राउन और हम बाहर ही रुक गए। लेकिन जब काफ़ी देर गुजर गई और ये लोग वापस ना आए तो कर्नल जॉनसन को तशवीश हुई, तो उसने मुझे और मेजर ब्राउन को अंदर भेजा। हमने जाकर देखा तो मेजर टामी की सुरंग के दहाने लाश पड़ी हुई थी। उसके सीने में गोली मारी गई थी और पेशानी और आंखों के दरमियानी हिस्सा किसी नोकीली चीज से जख्मी कर दिया गया था, मगर अफंदी गैप था। हम आगे बढ़ते गए और फिर आगे जाकर एक गड्ढे में ख़त्म हो गई। वहाँ ऐसे आसार मौजूद थे जैसे कोई आदमी यहाँ पड़ा रहा हो, लेकिन अफंदी गैप था। हम टामी की लाश उठाकर वापस आए तो कर्नल जॉनसन गुस्से से पागल हो गया और फिर हमने सुरंग के अंदर और उसके दूसरे हिस्से की तरफ उसकी तलाश शुरू कर दी, लेकिन ऐसे लगता था जैसे अफंदी को जमीन खा गई हो। अल्पाखंड रात के इस हिस्से के बाद एक तवील सिलसिला शुरू हो जाता था। वहां से एक किसान ने हमें बताया कि उसने एक जीप में एक औरत और मर्द को खेतों के दरमियान बेतहाशा रफ्तार से जीप दौड़ाते हुए देखा है, और एक बार जीप एक गड्ढे की वजह से उछली तो उसने एक लाश को भी जीप की अगली सीट पर पड़े उछलते हुए देखा। लाश का लिबास बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि उस वक्त अफंदी ने पहना हुआ था। इस किलो की मदद से हम आगे बढ़े और फिर उस जीप का हमने खोज लगा ही लिया। जीप हमें कॉलोनी के एक चौक पर खड़ी मिल गई, चुनांचे पूरी कॉलोनी को घेर लिया गया और निगरानी शुरू हो गई। मेजर ब्राउन उसे तलाश कर रहे थे कि हमें कर्नल जॉनसन जो कि है वापस हेडक्वार्टर आ गया था कि ट्रांसमीटर कॉल मिली कि अफंदी को पकड़ लिया गया है और अब बेहोशी के आलम में दोबारा टॉर्चर सेल पहुँचा दिया गया है। कर्नल जॉनसन ने हमें फ़ौरन बुलाया था ताकि अफंदी से पूछगुछ की जा सके और हम छावनी जा रहे थे कि तुमने हमें पकड़ लिया। कैप्टन मार्क ने मौत की दहशत से पूरी तफसील से सब कुछ बता दिया। नुमानी जो जीप में लाश का सुनकर मुसलसल होंठ काट रहा था, मैं अफंदी के जिंदा होने का सुनकर चौंक पड़ा। उसकी आंखों में यकलक चमक उभर आई। तो आप अफंदी ट्रैक्टर सेल में है? नुमानी ने उसी तरह क्रख लहजे में कहा। हाँ, कैप्टन मार्क ने जवाब दिया। छावनी में दाखिल होते वक्त क्या कोड इस्तेमाल किया जाता है? नुमानी ने पूछा। कोई कोड नहीं है, सिर्फ रेड कार्ड दिखाना पड़ता है। ओह, मेरा मतलब है ट्रैक्टर सेल वाला कार्ड, कैप्टन मार्क ने कहा। क्या आप तुम सीधे कर्नल जॉनसन के दफ्तर जाते या? नुमानी ने एक और सवाल किया। हम उनके दफ्तर जाते, फिर वहां से कर्नल जॉनसन के साथ ब्लू रूम में जहां अफंदी मौजूद होगा, वहां सैंसी तौर पर तशद्दुद करने का मुकम्मल सिस्टम मौजूद है और वहां कर्नल जॉनसन की इजाजत या उनकी मौजूदगी के बगैर कोई नहीं जा सकता, कैप्टन मार्क ने कहा। ओके, शुक्रिया। क्योंकि तुम भी अफंदी पर टॉर्चर करने वालों में शरीक हो, इसलिए तुम भी मेजर ब्राउन के साथ ही जाओ, नुमानी ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने ट्रैगर दबा दिया।
कैप्टन मार्क की खोपड़ी का भी वही असर हुआ जो उससे पहले मेजर ब्राउन का हुआ था। उनके चेहरे इस कदर मस्त हो चुके थे कि आसानी से पहचाने न जा सकते थे। फिर नोमानी ने रिवाल्वर को नाली से पकड़ा और रिवाल्वर के दस्ते की जरबात लगा लगा कर उसने उन दोनों के चेहरों को इंतहाई हद तक मशक कर दिया। इस दौरान सिद्दीकी ने जीप का पहिया तब्दील करना शुरू कर दिया। इस कार का क्या करना है, सिद्दीकी ने कहा। इसे यही रहने दो, हमें फौरन अफंदी को छुड़वाना है, आओ जल्दी करो, नोमानी ने कहा और सिद्दीकी सर हिलाता हुआ उछलकर जीप पर सवार हो गया। नोमानी ड्राइविंग सीट पर पहले ही बैठ चुका था। दूसरे लम्हे जीप स्टार्ट होकर मुड़ी और खास सी तेज रफ्तारी से दौड़ती हुई जंगल से निकलकर सड़क पर आई और फिर तेज रफ्तारी से दौड़ती हुई छावनी की तरफ बढ़ती गई। वाकई छावनी की चेक पोस्ट पर उनके कार्ड देखते ही चेकिंग राड हटा दिए गए और नोमानी जीप दौड़ाता हुआ छावनी के अंदर दाखिल हो गया। ग्रैंडफादर ने पहले ही उन्हें बता दिया था कि टॉर्चर सेल छावनी के अंदर पीले रंग की इमारत है, इसलिए नोमानी छावनी में दाखिल होते ही जीप को सीधा उस पीली इमारत की तरफ ले गया। इमारत के बरामदे के बाहर चार मुसलह फौजी मौजूद थे। जीप रोककर वो दोनों जैसे ही नीचे उतरे एक फौजी तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। कर्नल साहब, आपके देर से आने की वजह से सख्त गुस्से में हैं, फौजी ने बड़े राजदाराना लहजे में कहा और नोमानी ने सिर्फ सर हिलाया और फिर तेज तेज कदम उठाता वो दफ्तर के दरवाजे की तरफ बढ़ गया जिसके बाहर कर्नल जॉनसन के नाम की प्लेट लगी हुई थी। दरवाजे के बाहर भी एक मुसलह फौजी मौजूद था। उसने जल्दी से दरवाजा खोल दिया और नोमानी और सिद्दीकी अंदर दाखिल हुए। ये एक शानदार अंदाज में सजा हुआ दफ्तर था जिसमें एक उधेड़ उम्र का लंबा तड़ंगा आदमी बड़ी बेचैनी के आलम में टहल रहा था। उसके जिस्म पर यूनिफॉर्म थी और कंधों पर मौजूद सिटार को देखते ही वो पहचान गए कि यही कर्नल है। ओह, अब आए हो, कहां मर गए थे तुम, कर्नल जॉनसन ने नोमानी की तरफ मुड़कर इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। सर, एक अहम इत्तला मिली थी कि यहां लाया जाने वाला असल अफंदी नहीं है। उसकी छानबीन के लिए रुक गया लेकिन सर इत्तला गलत साबित हुई। मेरा ख्याल है ये रूसियाई एजेंटों की शरारत थी, नोमानी ने मोदबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। है ठीक है, आओ मेरे साथ, कर्नल जॉनसन ने होंठ चबाते हुए कहा और फिर तेजी से कमरे के कोने में मौजूद दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाजा खोला और एक रादारी में से गुजरकर उसके इख्तिताम पर मौजूद दरवाजे पर रुक गया। उसने जेब से एक छोटा सा आला निकाला और बंद फौलादी दरवाजे से वो आला चिपका दिया। दूसरे लम्हे दरवाजा खुद ब खुद बेआवाज खुलता गया और वह दोनों कर्नल जॉनसन के साथ ही अंदर गए। ये एक खासा वसी कमरा था जिसकी एक साइड पर अंधे शीशे का एक कैबिन था और बाकी दीवारों के साथ जगह जगह अजीब साख्त की मशीनें फिट थीं। जाओ और देखो क्या ये वाकई असली अफंदी है या नहीं, मुझे भी अब शक पड़ गया है, कर्नल जॉनसन ने वहीं दरवाजे के करीब ही रुककर कहा और नोमानी सर हिलाता हुआ आगे बढ़ा। जबकि सिद्दीकी वहीं रुक गया। तुम भी साथ जाओ, कर्नल जॉनसन ने सिद्दीकी की तरफ देखते हुए घुराट भरे लहजे में कहा और सिद्दीकी सर हिलाता हुआ आगे बढ़ा। कर्नल जॉनसन भी उनके पीछे आगे बढ़ने लगा। जब वो दोनों उस केबिन में दाखिल हुए उस वक्त कर्नल जॉनसन दरवाजे की दूसरी तरफ गया, फिर खटाक की आवाज के साथ ही दरवाजा बंद हो गया। केबिन खाली पड़ा हुआ था। वो दोनों तेजी से मुड़े, उसी लम्हे अंधा शीशा तेजी से शफाफ होने लग गया और फिर उन्हें कर्नल जॉनसन दूसरी तरफ खड़ा साफ नजर आने लगा। उसके हाथ में वही आला मौजूद था। अब बताओ कौन हो तुम और मेजर ब्राउन और कैप्टन मार्क कहाँ हैं, कर्नल जॉनसन की चीखती हुई आवाज सुनाई दी। क्या मतलब, ये कैसा मजाक है कर्नल, नोमानी ने इस बार बिगड़े हुए लहजे में कहा, लेकिन बहरहाल इतना वो समझ गया था कि कर्नल जॉनसन उनकी तवक्को से कहीं ज्यादा चालाक साबित हुआ था और उसने उन्हें अहमक बनाकर उस कमरे में कैद कर दिया है। मजाक, और वो भी तुम जैसे थर्ड क्लास लोगों से, कर्नल जॉनसन करेगा। सुनो, मेरा ख्याल है तुम रूसियाई एजेंट हो, लेकिन मैं रूसियाई एजेंट को इस कदर अहमक न समझता था जिस कदर तुम साबित हुए हो। तुम्हारे चेहरों पर मौजूद मास्क मेकअप मुझे साफ नजर आ गया है, क्योंकि टॉर्चर सेल का इंचार्ज बनने से पहले मैं मेकअप सेक्शन का इंचार्ज था और मैंने मेकअप के फन में बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रखी हैं, इसलिए तुम्हारा ये मेकअप वो खासा कामयाब मेकअप है लेकिन कर्नल जॉनसन की नज़रों से नहीं छुप सकता। अब शराफत से बता दो कि तुम कौन हो।
मेजर ब्राउन और कैप्टन मार्क कहाँ हैं? वरना इस आले का एक बटन दबाते ही इंतहाई जोर असर जहरीली गैस इस कैबिन में फैल जाएगी और तुम तड़प तड़प कर और सिसक सिसक कर मर जाओगे, कर्नल जॉनसन ने चीखते हुए कहा। आपको कोई शदीद गलतफहमी हुई है कर्नल जॉनसन, आप बेशक हमारे चेहरे चेक करा दें, नौमानी ने होंठ भींचते हुए कहा। ठीक है, मैं खुद ही उन्हें तलाश करा लूंगा, तुम तो छुट्टी करो, कर्नल जॉनसन ने तेज लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने आले का बटन दबा दिया। दूसरे लबे केबन की छत से नीले रंग की गैस किसी फुहार की तरह उस केबन में पड़ने लगी। नौमानी ने कर्नल जॉनसन को आले का बटन दबाते देखकर गर्दन मोड़कर साथ खड़े सिद्दीकी की तरफ देखा और आंख का मखसूस अंदाज में दबा दिया और सिद्दीकी ने भी आहिस्ता से सर को हिला दिया जैसे वो नौमानी का इशारा समझ गया हो। उसी लम्हे नीले रंग की गैस की फुहार उन पर पड़ने लगी और फिर एक लम्हे के बाद ही उनके जिस्म टेढ़े मेढ़े होने लग गए और चेहरा तेजी से मशक होता गया। चंद लम्हों बाद ही वो दोनों उसी तरह टेढ़े मेढ़े अंदाज में फर्श पर गिर गए। केबन से बाहर खड़े कर्नल जॉनसन ने चंद लम्हे गौर से देखा और फिर उसने आले का एक और बटन दबाया तो गैस उस केबन से इंतहाई तेज रफ्तारी से गायब होने लग गई और देखते ही देखते कमरा साफ हो गया। कर्नल जॉनसन ने एक और बटन दबाया तो केबन का दरवाजा खटाक की आवाज के साथ ही खुल गया, लेकिन वो दोनों उसी तरह बेहिसो हरकत पड़े हुए थे। मुझे चक्कर देने आए थे रूसियाई एजेंट, कर्नल जॉनसन को चक्कर दे जाएं, कर्नल जॉनसन ने इंतहाई हकारत भरे लहजे में कहा और फिर वो कदम बढ़ाता केबन में दाखिल हुआ और उसने बड़े हकारत भरे अंदाज में बूट की टो नौमानी की पस्तियों में जोर से मारी, मगर दूसरे लम्हे वो चीखता हुआ उछल कर पुश्त के बल जमीन पर गिर गया। नौमानी ने अचानक हाथ बढ़ाकर उसकी लात पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया था और फिर उसके नीचे गिरते ही नौमानी बिजली की सी तेजी से उसके ऊपर जा गिरा। दूसरे लम्हे उसने पूरी कुव्वत से जॉनसन की नाक पर जोर से टक्कर जमा दी। जॉनसन के हल्क से एक और चीख निकली, उसके दोनों घुटने तेजी से मुड़े और उसने अपने ऊपर पड़े हुए नौमानी को घुटनों की मदद से अपने सर के ऊपर से उछालना चाहा, मगर नौमानी बिजली की सी तेजी से उछलकर एक तरफ खड़ा हुआ ही था कि सिद्दीकी की लात हरकत में आई और उठने की कोशिश करता हुआ कर्नल जॉनसन के अंदाज में चीख मारकर फिर नीचे गिरा और साकेत हो गया। खासी जहरीली गैस थी, अगर हम सांस ना बंद कर लेते तो यकीनन खत्म हो जाते। सांस बंद कर लेने के बावजूद मेरा दिमाग अभी तक तेजी से घूम रहा है, सिद्दीकी ने दोनों हाथों से सर को पकड़े हुए कहा। इस एमएक ने खुद ही बता दिया था कि वो जहरीली गैस छोड़ने वाला है, अगर ये अचानक ऐसा कर देता तो फिर हमारी मौत यकीनी हो जाती। अब इससे अफंदी का पता मालूम करना है, नौमानी ने सर हिलाते हुए कहा और फिर उसने झुक कर बेहोश पड़े हुए कर्नल जॉनसन को टांगों से पकड़ा और उसे घसीटता हुआ केबन से बाहर पड़े हाल में ले आया। देखो दरवाज़ा अच्छी तरह बंद है ना, वैसे कमरा तो साउंड प्रूफ ही है मगर दरवाज़ा अच्छी तरह बंद होना चाहिए, नौमानी ने सिद्दीकी से मुखातिब होकर कहा और सिद्दीकी इस बात में सर हिलाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाजा न सिर्फ अच्छी तरह बंद कर दिया बल्कि उसे लॉक भी कर दिया, अब आवाज बाहर नहीं जा सकेगी, सिद्दीकी ने वापस मुड़ते हुए कहा। इस दौरान नौमानी अपनी बेल्ट उतार कर कर्नल जॉनसन के हाथ उल्टा करके उसकी पुश पर बांधने में मसरूफ हो गया। तुम अपनी बेल्ट से इसकी टांगे बांध दो, नौमानी ने हाथों पर बेल्ट बांधते हुए कहा और सिद्दीकी ने तेजी से अपनी बेल्ट खोलनी शुरू कर दी। चंद लम्हों बाद कर्नल जॉनसन के हाथ और पैर बेल्टों से बांधे जा चुके थे। नौमानी ने उसे बाजुओं से पकड़ा और फिर उसने बाजुओं की ताकत से उठाकर एक तरफ मौजूद लोहे की कुर्सी पर बिठा दिया। लोहे के पाए जमीन में नस्त थे, सिद्दीकी कुर्सी की साख देखते ही समझ गया था, इसलिए उसने तेजी से आगे बढ़कर कुर्सी के अकवी खाने पर मौजूद बटन को पैर से प्रेस कर दिया। दूसरे लम्हे फौलादी कड़े कुर्सी के एक बाजू से निकलकर दूसरे बाजू में गायब हो गए। अब कर्नल जॉनसन बंधे हुए के साथ कुर्सी के शिकंजे में सिर्फ फंस गया था कि उसके लिए मामूली सी हरकत करना भी मुश्किल हो गया था। नौमानी ने आगे बढ़कर बेहोश कर्नल जॉनसन के दोनों नथलों में उंगलियां डाली और फिर पूरी कुव्वत से उसने अकड़ी हुई उंगलियों को ऊपर की तरफ झटका दिया। दूसरे लम्हे कमरा कर्नल जॉनसन के हल्क से निकलने वाली खौफनाक चीख से गूंज उठा, उसको दोनों नथने चिर गए थे और नौमानी की उंगलियां खून से लथड़ गई थी। खौफनाक और अचानक तकलीफ की वजह से कर्नल जॉनसन की बेहोशी फौरी तौर पर खत्म हो गई थी। बताओ बिली रूम कहाँ है, नौमानी का हाथ घुमा और जोरदार थप्पड़ कर्नल जॉनसन के गाल पर पूरी कुव्वत से पड़ा। कर्नल जॉनसन के हल्क से एक और चीख निकल गई, बताओ, नौमानी ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा और एक और थप्पड़ जड़ दिया। लेकिन कर्नल जॉनसन के हल्क से चीखें तो निकल रही थीं लेकिन वो कोई बात न कर रहा था। हट जाओ नौमानी,
मैं इसे अभी सबको छुकलवाता हूँ। यकरख्त सिद्दीकी ने उसे बाजू से पकड़कर हटाते हुए कहा। उसके हाथ में एक खंजर नजर आ रहा था जो उसने इस दौरान यूनिफॉर्म के नीचे मौजूद अपने लिबास में से निकाल लिया था। खंजर निकालने के लिए जाहिर है उसे गले तक बंद यूनिफॉर्म के बटन खोलने पड़े थे जो बदस्तूर खुले हुए थे। देखो कर्नल, मैं तशद्दुद करने के मामले में सबसे मशहूर आदमी हूँ, समझे? इसलिए आखिरी बार कह रहा हूँ, बताओ ब्लू रूम कहाँ है? सिद्दीकी ने खंजर की नोक को उसकी दाएं आंख के ऊपर ले जाते हुए इंतहाई सख्त लहजे में कहा। लेकिन कर्नल जॉनसन ने कोई जवाब ना दिया। उसके होंठ बदस्तूर भिंचे हुए थे, मगर दूसरे लम्हे कमरा इंतहाई हौलनाक चीख से गूंज उठा। सिद्दीकी के खंजर की नोक कर्नल जॉनसन को आंख में घुसकर उसका ढीला पहन को निकाल चुकी थी और कर्नल जॉनसन चीखता हुआ एक बार फिर बेहोश हो गया। मगर सिद्दीकी ने इस बार खंजर की नोक उसके थोड़े से चीरे हुए नथने में डाल दी थी। खंजर को ऊपर की तरफ उठाया तो नथना नाक की जड़ तक कटता गया और उसके साथ एक बार फिर हज़्यानी अंदाज में चीखता हुआ कर्नल जॉनसन होश में आ गया। उसी लम्हे सिद्दीकी का खंजर हरकत में आया और कर्नल जॉनसन का एक कान जड़ से ही गायब हो गया। बोलो वरना, सिद्दीकी ने गुराते हुए कहा और उसके साथ ही कर्नल जॉनसन के दूसरे कान का भी यही हशर हुआ। सिद्दीकी इस वक्त इंतहाई सर्द मोहर किस्म का जलाद बना हुआ था, लेकिन सिवाय चीखने के कर्नल जॉनसन के हल्क से अब तक कोई आवाज ना निकली थी। तो ठीक है, तो फिर दूसरी आंख भी, सिद्दीकी ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा और खंजर की नोक आहिस्ता आहिस्ता उसकी अकलौती आंख की तरफ ले जाने लगा। कर्नल जॉनसन का चेहरा तकलीफ की शिदत से बुरी तरह मसख हो चुका था। नाक के नथनों और कटे हुए कानों से खून बह रहा था। उसका पूरा चेहरा खून से लथड़ गया था और उसकी हालत वाकई बेहद खराब हो रही थी। सिद्दीकी इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता खंजर की नोक कर्नल जॉनसन की इकलौती आंख की तरफ बढ़ाए जा रहा था। उसके चेहरे पर सफाकी जैसे सब नजर आ रही थी। बब बब बताता हूँ यही ब्लू रूम है, अचानक कर्नल जॉनसन ने चीख कर कहा। उसकी कुव्वत आरादी शायद आखिरी लम्हे में दम तोड़ चुकी थी। अफंदी कहाँ है? सिद्दीकी ने खंजर की नोक उसके पपोटे के ऊपर टिकाते हुए उसी तरह सर्द लहजे में कहा। दरवाजे के साथ स्विच पैनल पर सुर्ख रंग का बटन दबाओ तो कैदखाना खुल जाएगा, कर्नल जॉनसन ने ऐसे अंदाज में कहा जैसे वो खुद अपनी मर्जी से ना बोल रहा हो, बल्कि अल्फाज खुद ब खुद उसकी जबान से फिसलते जा रहे हों। जाओ नमानी, अगर उसने गलत बताया होगा तो ये भी ना बच सकेगा। सिद्दीकी ने खंजर की नोक को जरा सा दबाते हुए नमानी से कहा और कर्नल जॉनसन के हल्क से सिस्कारी सी निकल गई। तब तक तुम रूसियाई नहीं हो, पाकिस्तानी हो, नमानी टाइप नाम, कर्नल जॉनसन ने हिकलाते हुए कहा। उसी लम्हे नुमानी ने वो सुर्ख रंग का बटन दबा दिया और उसके साथ ही एक खौफनाक धमाका हुआ और जैसे बिजली कूदती है इस तरह कमरे की छत से बिजली की लहरें से निकलकर पूरे कमरे में फैलती हुई एक लम्हे के लिए नजर आईं और दूसरे लम्हे सिद्दीकी और नुमानी के हल्क से बेख्तियार चीखें निकल गईं। सिद्दीकी और नुमानी दोनों को यूं महसूस हुआ जैसे खौफनाक आग ने उनके जिस्मों को घेर लिया हो और उसके साथ ही उनके जहन तारीक हो गए हों। उनके जहन में उभरने वाला आखिरी एहसास यही था कि कर्नल जॉनसन ने उन्हें धोखा दिया है और इस एहसास के बाद गुप अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जिसके बाद शायद कभी सुबह ना हो सकती थी, मौत का अंधेरा। इसके साथ ही हमारे आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।